Atherosclerosis. Atherosclerosis होता है, में प्लाक का इन प्लाक्स के कि फट जाने से ब्लड क्लॉट बन सकता है हार्ट की, की, की जो मसल्स होती हैं उन्हें ब्लड सप्लाई पूरी बंद हो जाती है और इसे ही आम भाषा में कहा जाता है हार्ट अटैक इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वेल well, इसके पीछे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें से कुछ हमारे हाथ में होते हैं कुछ हमारे हाथ में नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली तीन ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते इनमें सबसे पहले आता है हमारी एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है चांसेस ऑफ लैंडिंग अप विद हार्ट अटैक हमारे बढ़ते जाते हैं एज का बढ़ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पावरफुल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के होने के लिए दूसरा रिस्क फैक्टर है जेंडर बेसिकली प्री मेनोपोजल फीमेल्स जिन फीमेल्स ने अभी मेनोपॉज नहीं अटेंड किया है देआर नेचुरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट अटैक्स लेकिन मेनोपॉज के बाद यह रिस्क इवन आउट हो जाता है तीसरा नॉन रिवर्सेबल रिस्क फैक्टर जिसके लिए हम लोग प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकते हैं वो है फैमिली हिस्ट्री बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जेनेटिक हो सकती हैं, फैमिली में ट्रांसमिट करती हैं, जिसमें कि हार्ट अटैक समय से पहले होने की और हार्ट अटैक ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होती है अब बात उन रिस्क फैक्टर्स की जिनके लिए हम कुछ एक्चुअल में कर सकते हैं इस लिस्ट में नंबर एट पे है इनलीगल ड्रग्स ड्रग्स में कोकेन एम्फिटामिन एल ये सब कुछ ऐसी ड्रग्स के नाम हैं जिनके कंजम्पशन से हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक होने का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इस प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ कोकेन कंजम्पशन नंबर सेवन डू नॉट स्मोक सिगरेट्स ये एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को लगता है हर कार्डियोलॉजिस्ट का तकिया कलाम है हर कार्डियोलॉजिस्ट इसको बस बोले जा रहा है कुछ लोग ये बात सुनते हैं कुछ लोग बात नहीं सुनते हैं बट जानने की बात ये है कि स्मोकिंग के बाद स्मोकिंग को बंद करने के बाद रिस्क ऑफ हार्ट अटैक गोज डाउन बाय 65 परसेंट नंबर सिक्स रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के दो तरीके होते हैं एक जिससे तुम्हारा फायदा होगा और दूसरा जो प्रॉब्लम तुम आज तक करते आए फायदा देने वाले स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीकों में आता है योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेडिटेशन मसाज इसके अलावा स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर लव वंस अपने फ्रेंड्स को टाइम देना अपनी फैमिली को टाइम देना अपने आसपास पास हेल्दी रिलेशनशिप्स को नर्चर करना अपने आप को समय देना कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक कुछ लोगों के लिए रीडिंग कुछ लोगों के लिए स्टैंड अप कॉमेडी कुछ लोगों के लिए फ़नी मूवीज़ ये सब लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते रहते हैं इसके अलावा सीकिंग प्रोफेशनल काउंसलिंग इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव अगर आपको लगता है स्ट्रेस ज़्यादा है शुड प्रॉबली सीक हेल्थ बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी तरीके हैं जिसको आज तक आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज करते आए हैं जैसे कि एल्कोहल स्मोकिंग ड्रग्स या इसके अलावा स्ट्रेस ईटिंग बिंजटिंग ये सब मेथड ना आपको खींच के हॉस्पिटल ही लाएंगे एंड नॉट इन दूड लाइक इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है ईटिंग अ हार्ट हेल्थी डाइट हार्ट हेल्दी डाइट से भी हम हार्ट अटैक को होने से बचा सकते हैं हार्ट हेल्दी डाइट का मतलब होता है कुछ चीजें जो आपको खानी है और कुछ चीजें आपको जो नहीं खानी है उनका आपको पता होना चाहिए हेल्दी डाइट आपके ब्लड प्रेशर में मदद करेगी आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद करेगी इसके अलावा आपके ब्लड शुगर की मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी क्या लेना है तो इसमें आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ठीक ठाक मात्रा में कंज्यूम किए जाने चाहिए लीन प्रोटीन्स का कंजम्पन किया जाना चाहिए होल ग्रेन्स का कंजम्पन करना चाहिए लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पन करना चाहिए हेल्दी फैट्स का कंजम्पन करना चाहिए हेल्दी फैट्स यानी पोलियन सैचुरेटेड फैटी एसिड मोन अन सैचुरेटेड फैट एसे इनका कंजम्प्शन करना चाहिए क्या कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो उसमें आता है एक्सेस सॉल्ट सॉल्ट कितना कंज्यूम करें इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं लिंक वीडियो में मिल जाएगा शुगर शुगर का अपटेक बहुत ज्यादा नुकसान देता है इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पन ये भी कम से कम करना चाहिए सैचुरेटेड फैट ट्रांस फैट ये सब चीजें भी डाइट में कम से कम रखनी चाहिए अगर हार्ट अटैक से बचना है तो इस लिस्ट में नंबर फोर और मेरे हिसाब से प्रॉब्ली सबसे इंपॉर्टेंट आता है गेट मूविंग फिजिकल एक्टिविटी से न सिर्फ हार्ट अटैक कम होता है इससे शुगर लेवल ब्लड प्रेशर का लेवल कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये सब इंप्रूव करता है बहुत लोगों के लिए एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काफी हेल्प करती है कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो यह हम बार बार बात कर चुके हैं वन मिनट्स पर वीक एटलीस्ट मॉडरेटली विग्रेस एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए या मिनिमम 70 मिनट्स पर वीक विग्रस एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग करनी चाहिए हफ्ते में एटलीस्ट दो दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए यानी कि वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए अगर कुछ नहीं कर रहे हैं और बस पड़े हुए हैं तो उससे तो लाख गुना बेटर है उठिए और वॉक पे जाइए लिस्ट में नंबर तीन मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट ओवर वेट होना स्पेशली मिडिल ऑफ द बॉडी के अराउंड हार्ट डिजीज को न्योता देता है हार्ट डिजीज को इन्वाइट करता है इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस इससे शुगर बढ़ने के चांसेस कोलेस्ट्रॉल खराब होने के चांसेस भी बढ़ते हैं वेस्ट सर्कम्फ्रेंस एक रफ आइडिया देता है कि कितना बेली के अराउंड आपने फैट इकट्ठा किया हुआ है मेल्स में 14 इंच से ज्यादा और फीमेल्स में 35 इंचेस से ज्यादा वेस्ट सर्कम्फ्रेंस का होना अनहेल्दी कहा जाता है इवन स्मॉल वेट रिडक्शन कैन बी वेरी हेल्पफुल लूजिंग मेली थ्री टू फाइव परसेंट ऑफ योर बॉडी वेट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग योर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है और डायबिटीज के कंट्रोल को इंप्रूव करता है जितना ज्यादा आप अपना वेट लूज करते जाएंगे उतने ज्यादा चांसेस ब्लड प्रेशर के डायबिटीज के और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल के इम्प्रूव होने के होंगे नंबर टू गेटिंग क्वालिटी स्लीप पीपल हु डो नॉट गेट क्वालिटी स्लीप आर एट हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी हाइपरटेंशन

डायबिटीज का होना ये समय से डिटेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर बीइंग स्क्रीन पीरियडिकली 18 साल की एज के बाद से डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमें समय से पकड़ना जरूरी है बिफोर दे कैन हार्म यू और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यंग इंडियंस में हार्ट अटैक ज्यादा कॉमन क्यों है इस वाली वीडियो को जाके देखो